फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विटामिन को याद करने की ट्रिक्स। और ये ऐसी ट्रिक है, मैं आज आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो आप देख लोगे, आपका विटामिन से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बहुत मजेदार ट्रिक है और बहुत हंसी वाली भी ट्रिक है आपके साथ। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि विटामिन ए बी सी डी ई के जो कॉमन विटामिन होते हैं उनको याद कर लेते हैं। देखो ट्रिक क्या है, जो विटामिन ए बी सी डी ई के के लिए, रथ पर एक टॉफी और पर जो है वो साइलेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। ए और बी, तो रा से हो जाएगा रेटिनॉल, था से थायमिन, पर साइलेंट रहेगा। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, का से कैल्सिफोरॉल हो जाएगा, और टा से टोकोफोरॉल, और फा से फ्लोक्यूनिन। ठीक, तो ये हो गया ए बी सी डी ई के। ठीक, ए बी सी और ई के शुरू हो गया। अब जो मेन जो आते हैं वो आते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। और ध्यान रखना कि रथ पर एक टॉफी तो फिलहाल नॉर्मल हो गई, और मैंने एक वीडियो और भी बना रखा है आपको, जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो वाले हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हम लोग B1 वगैरह इसको कैसे याद करें। देखो जो B1 आपका यहाँ थायमिन है वो तो यहीं निपट गया, थायमिन। B1 आपका जो है वो यहाँ हो गया, B1 थायमिन यहाँ भी है, ये यहाँ भी लिख दिया मैंने। ठीक, चलो अगर आपको थायमिन की ट्रिक बनानी है तो ऐसे थायमिन, थाई मतलब थाईलैंड, क्या थाई मतलब थाईलैंड, और थाईलैंड जाने का लड़कों का मन एक बार जरूर करता है कि कम से कम एक बार थाईलैंड जाए, क्योंकि थाईलैंड बहुत सुंदर शहर है और यहाँ मसाज वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो लड़कों का बहुत मन होता है कि कहाँ जाना चाहिए, थाईलैंड जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए B2। अब B2 में इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। ठीक है, तो राय यहां पर क्या आ रहा है, राय। तो राय कितने लोगों के बीच में होती है, दो लोग के बीच में होती है, क्योंकि आप उनसे पूछोगे हमें ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो क्या देंगे, आपको राय देंगे हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। या आप ऐसे पूछते हो कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, तो सामने वाला कहेगा तुमसे बेटा नहीं होएगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो तुम यूट्यूब चैनल मत चलाओ, सब्सक्राइबर ही नहीं आ पाएंगे तुम्हारे। तो क्या है, लोग अलग अलग राय देते हैं, राय लेने के लिए और देने के लिए। कम से कम कितने लोग चाहिए, दो लोग, तो यहां से आप दो पकड़ लोगे, दो राय ब्लोविन। कुछ बच्चे हमने देखा है कि वो ऐसे ट्रिक बना लेते हैं कि यहाँ पे दो आ रहा है और ये भी दो आ रहा है, तो दिक्कत आपको ये हो सकती है कि रेटिनॉल में भी ऐसा आ रहा है, मतलब रा आ रहा है, तो या तो आप डिफरेंस कर पाओगे रेटिनॉल ये फिक्स हो गया, तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हो राइबोफ्लोविन कि यहाँ पे दो यहाँ पे भी दो यहाँ, लेकिन इसका थोड़ा ध्यान रखना रेटिनॉल में, नहीं तो आप ये बना लो कि राय देने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए। फिर देखते हैं B3, B3 के नियासिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नियासिन ऐसे याद रखो, देखो जब हम लोग घर पे होते हैं और तीन रोटी खा लेते हैं, तो हम लोग की मम्मी कहती है नहीं, तीन रोटी जो है अपशगुन माना जाता है, तीन नहीं बेटा साढ़े तीन रोटी खा लो। या हम लोग तीन लोग कहीं नई जगह पे नहीं जाते हैं शादी के बाद, इस टाइप से एक मतलब दिमाग में वो चलता रहता है ना, अंधविश्वास टाइप का कि अगर तीन लोग जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। गाँव में तो लोग कहते भी है तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो तीन चीज को जो है अपशगुन मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी तीन काम अगर हम लोग से कहा जाए तो हम लोग कहते हैं नियासिन, नाई करी। ठीक है, नियासिन से कर ऐसे आप करो नाई करी। ठीक है, नियासिन नाई करी, यहाँ पे ना बढ़ ले आओ नाई करी। ठीक है, पांचवा देखो B5, तो आपको पता ही पेंटा होता है, पेंटा होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंटर होता है, तो फाइव से पेंटा, तो इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई, आपको ऑलरेडी पता है सिक्स है, हेक्सागन वगैरह है। अब देखो सिक्स B6, अब B6 से क्या हो गया, छक्का लग गया, क्योंकि B6 क्या है छक्का, मतलब B6 में क्या अच्छे आ रहा, और जब इंडियन टीम हमारी छक्का मारती है तो हम लोग क्या कहते हैं, पैराडॉक्सीन। क्या सीन है भाई, क्या सीन है आज भाई, विराट और रोहित शर्मा जो है बहुत अच्छे से मार रहे हैं, पायरोडॉक्सीन क्या सीन है भाई, मजा आ गया। और ये B7 है आपका बायो टीम, तो ऐसे याद रखो जब आप बायो ले लेते हो, जब बायो आप लोग ले लेते हो फर्स्ट ईयर में, तो आपको सातों दिन रट्टा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बायो इतनी टफ होती है और इसमें इतनी थ्योरी होती है, इतनी केमिकल्स वगैरह होते हैं, आपको बहुत ज्यादा याद करने पड़ेगा, मतलब
ह्यूमंस के नाम, वैज्ञानिक नाम इतने साल, तो सातों दिन आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने बायो ले ली तो सातों दिन आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है, बायोटिन, ठीक है, तो बायो टीन से वैसे रट्टा रट्टा आपको लगाना पड़ेगा सातों दिन, ठीक है। B9, अब B9 में अगर ध्यान से आप देखो तो यहां पे क्या लिख के आ रहा है, फल, तो क्या लिखा हुआ है, ये फल लिखा हुआ है, इसको हटा दो। तो जब नौ व्रत होते हैं, B9 नौ मतलब नौ व्रत होते हैं जो माता जी के लिए रखा जाता है, नौ व्रत, साल में जो दो बार नौ व्रत पढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें जब व्रत रखते हैं नौ व्रत, तो हम लोग क्या खाते हैं उसमें, फल खाते हैं, क्या खाते हैं, फल खाते हैं। नौ व्रत देवी माओ के लिए रखा जाता है, काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, इन सब के लिए रखा जाता है। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे फार्मिक अन्न को फल से, फल हम लोग को खाना पड़ता है नौ व्रत में, ठीक। B12 की बात करें, जब बच्चा देखो नाइन्थ में टेंथ में होता है वो सुकून की लाइफ होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर होता है कि हाँ भैया हाई स्कूल अच्छे से पास कर लो, ये सब चीज हम लोग बोलते हैं उससे। लेकिन जब वो ट्वेल्थ में आता है तब सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि अब हमें इंटर के बाद क्या करना है, कॉमर्स साइड मतलब उसमें जाना है, बीकॉम आगे करना है या फिर बीटेक करना है, क्योंकि पड़ोसी भी दबाव बनाते रहते हैं, उनका लड़का जो बीटेक करने चला गया या मेडिकल लाइन में गया या कॉम्पिटिशन लाइन में जा रहा है, तो बच्चा क्या है बिल्कुल साइको हो जाता है, इतना सोचता है इंटर के समय, इंटर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे ये सोचता रहता है। तो साइको, साइनो से साइको, वो क्या हो जाता है, एक तरीके से साइको हो जाता है, क्या हो जाता है, बिल्कुल साइको हो जाता है कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। फिर वही करता है प्लान जो उसके पड़ोसी जो कर रहे होते हैं, भाई कॉम्पिटिशन तो करना ही है, तो अपने जो सपने हैं वो तो ज्यादातर बच्चों के मर ही जाते हैं कि तो पड़ोसी कर रहा है, रिलेटिव ने अगर बीटेक कर लिया तो भाई करना ही है, क्योंकि फिर ताने कौन सुनेगा। तो ज्यादातर बच्चे जो हैं फिर वो वही कदम उसको उठा लेते हैं। तो ऐसे याद कर लेना B12 साइनो पावला मीन्स साइको। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको सारे याद हो गए होंगे, बस ये ट्रिक अच्छे से नोट कर लेना, रथ पर एक टॉफी और बाकी ये सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी के साथ। धन्यवाद।